नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम अलग अलग IIM के इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनके एडमिशन के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, फ़ीस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते आ रहे हैं। आज जो हमने इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो और इंस्टीट्यूशन चूज़ किया है वो है IIM संबलपुर। संबलपुर में IIM का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर। अगर हमें वहाँ पे एडमिशन MBA के लेना है और कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए वहाँ पे अगर हमें एडमिशन लेना है तो हम और हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आना स्वाभाविक है, और उस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान दिया जाने वाला है। तो दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से सवाल हमारे दिमाग में आ सकते हैं जब भी हम IIM संबलपुर में एडमिशन लेने के बारे में सोचते हैं। तो पहला सवाल आता है कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्स वहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं, फ़ीस रेंज क्या होगा अगर वहाँ पे एडमिशन लेना है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट वहाँ पे देना ज़रूरी है, हाईएस्ट सैलरी पैकेज कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज रैंक PT क्या होगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये और बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, और उसी सवालों का जवाब देने की ये मेरी कोशिश है। और इस वीडियो के दौरान आपको सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाले हैं। तो मेरी आप सभी को एक दरख्वास्त है, दिल से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं उनके पूरे के पूरे जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जाते जाते और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने ये मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल एकेडमिक इनसाइट सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस प्रकार की नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहेंगी। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको और एक बार रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके जो दिमाग में और मन में जो सवाल है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लेकर जाइएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए आज का ये वीडियो जो हम बना रहे हैं IIM संबलपुर के बारे में। ये जो IIM संबलपुर है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, 2015 में संबलपुर में स्थापित किया गया हुआ IIM का इंस्टीट्यूशन है जिसका अब तक NIRF रैंकिंग नहीं हुआ है। अगर हम कैंपस की बात करेंगे, इस इंस्टीट्यूशन का जो कैंपस है 237 एकर्स में फैला हुआ ये कैंपस है। इस कैंपस में सिर्फ एक ही कोर्स बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है, और उसका जो फीस का रेंज है वो फी का रेंज है 6.9 लाख टू 14.3 लाख, इस रेंज में यहाँ पे फीस चार्ज किया जाता है, और ये है IIM संबलपुर का फीस रेंज। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हमें एडमिशन लेना है तो कोई भी एक ग्रेजुएशन का डिग्री हमारे पास होना ज़रूरी है, वो प्रोफेशनल हो या ट्रेडिशनल हो, एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होना ज़रूरी है। अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स उस डिग्री में मिलना ज़रूरी है। अगर हम रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर हम बात करेंगे वहाँ पे कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एक्सेप्ट होता है, तो वहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एक्सेप्ट होता है वो होता है CAT का, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट। उसमें हमें क्लियर करना ज़रूरी है अब तक के हाईएस्ट पैकेज की, पिछले साल के हाईएस्ट पैकेज की अगर आप बात करेंगे जो ऑफर हुआ है स्टूडेंट्स को एज सैलरी, वो है 24.5 लाख पर एनम। ये है पिछले साल का हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो बच्चों को स्टूडेंट्स को ऑफर किया गया है IIM संबलपुर की तरफ से, उनकी कंपनियों की तरफ से। हॉस्टल फैसिलिटी की अगर बात करेंगे तो इस कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, स्टूडेंट्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी फॉर रिसाइडिंग पर्पस। उसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस हर एक IIM के सेंटर में कॉमन यूज़ किया जाता है, वो है एंट्रेंस के मार्क्स, एंट्रेंस का परसेंटाइल, GD का परसेंटाइल, PI का परसेंटाइल, ये तीनों को मिला के ओवरऑल परसेंटाइल निकाला जाता है। यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे एक जनरल कैटेगरी का परसेंटेज यहाँ पे दिखाया, दैट इज़ 95% है। तो ये है IIM संबलपुर। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो IIM संबलपुर में भी स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो लोग वीकर सेक्शन से फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है।
और वो स्कॉलरशिप बच्चों के लिए अप्लीकेबल होता है अगर इफ़ यू बिलोंग्स टू फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं। तो ये था वीडियो जो हमने बनाया आई आई एम संबलपुर के बारे में। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ की नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, जाते जाते ये वीडियो लाइक कीजिएगा, साथ ही में जो ये वीडियो है आपके दोस्तों में आपके रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और सबसे बड़ी बात, जो कमेंट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे अपना वैल्यूएबल कमेंट लिखना ना भूलिएगा ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस को और भी बेहतरीन बना सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा IIM संबलपुर के बारे में, आने वाले वीडियो में और देखेंगे और एक IIM इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।